पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर खान मंदोखेल का कहना है कि पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, जीत कर मद्दे मुकाबल नून लीग समेत दीगर जमातों के उम्मीदवारों को मिठाई खिलाएंगे। उन्होंने ये बात बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कही। आइए आपको गुफ्तगू दिखाते हैं। ट्रायल में आप जो है दोबारा गिनती का अमल जो है पहुंच चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे 249 से कादर खान मंदोखेल, उनसे हम बात करते हैं। कादर साहब, अब आखिरी मरहले में आ गई है गिनती, बस चंद ही पोलिंग स्टेशन बचे हैं और जो आपकी लीड कहाँ पर पहुंची है, और जीत जाते हैं तो फिर आप क्या पीटीआई नून लीग और दीगर को जो है मिठाई खिलाएंगे? देखो, मैं मिठाई से पहले मुबारकबाद पेश करूंगा पीटीआई को नून लीग के एहतियात का, जो पंजाब में उन्होंने आवाम को धोखा दे के इकट्ठे हुए थे, जो लड़काना में इकट्ठे हुए हैं, और इस पोलिंग में यहाँ दोनों ने एक साथ दरख्वास्त दी है, तो मैं कहूँ मुकम्मल के आज शहबाज शरीफ साहब की भी जमानत हो गई, वो भी बाहर चला जाएगा, नवाज शरीफ साहब पहले जा चुका है, ये क्या है, ये इनकी आपस में मुकम्मल है क्या है? पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने वाले आपने रिकाउंटिंग का दरख्वास्त दे के खुद भाग गए, आज मैदान में, तो मैं समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह 26 पोलिंग स्टेशन रह गए जो हमारे पॉकेट एरिया है, बाकी 248 पोलिंग स्टेशन में हमारी 900 से ज्यादा लीड है, तो इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह कुछ देर में मिठाई खिलाएंगे पीटीआई और नून लीग जी। बिल्कुल, आप उनको बुला ले और मैं मेरे साथी जाले मौजूद है, वो मिठाई ले आते हैं। कादर खान मंदोखेल पीपल्स पार्टी के, उनका कहना है कि यहाँ से जीत कर पीटीआई और नून लीग वालों को जो है मिठाई खिलाऊंगा और इलाके के आवाम के काम कराऊंगा। सबसे बड़ा मसला यहाँ का पानी का है, वो